लास्ट वीडियोज़ में हमने पढ़ा कि जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। तो हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ कर रहे थे। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में हमने सबसे पहले पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ा। पैरेन्काइमा क्या होता है? एक परमानेंट टिश्यूज़ होता है। इट कंसिस्ट अनस्पेशलाइज्ड सेल। इसमें सेल क्या होते हैं? अनस्पेशलाइज्ड होते हैं। थिन सेल वॉल होता है और ये लिविंग सेल होते हैं, ठीक है। दे आर यूजुअली लूजली, ये लूजली पैक्ड होते हैं। सो दैट लार्ज स्पेस बिटवीन इंटरसेलुलर स्पेस, के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और दिस टिश्यूज प्रोवाइड सपोर्ट एंड फूड स्टोरेज का काम करते हैं। एक तो सपोर्ट देते हैं ये प्लांट को और फूड स्टोरेज का काम करते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस कहते हैं और उसको हम क्लोरेन काइमा कहते हैं। ऐसे टिश्यूज जिनके अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल, और उसमें हम क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, तो उसे क्लोरेन काइमा कहते हैं। कुछ सिचुएशन में कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर एयर कैविटीज़ होते हैं और वो क्या कर पाते हैं, वाटर में फ्लोट कर पाते हैं, तो ऐसे पैरेन्काइमा को हम क्या कहते हैं, ऐसे पैरेन्काइमा को हम कहते हैं एरेन्काइमा। क्या कहते हैं? एरेन्काइमा। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इज़ ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यूज। ये भी जो है एक परमानेंट टिश्यूज की वजह से होता है, जिसे हम कहते हैं कोलेनकाइमा। यानी फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी प्लांट के अंदर अगर है तो वो कौन सा टिश्यू होगा, उसके अंदर कोलेनकाइमा। इट अलाउ इजी बेंडिंग, और इस फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है टिश्यू की, उसकी वजह से वो क्या कर पाता है, बेंडिंग कर पाता है इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अलग अलग पार्ट्स में क्या कर पाता है, बेंड कर पाता है, लाइक लीफ स्टेम हो गया, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे जो है वो क्या करता है, बेंडिंग कर पाता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट्स को। तो वी कैन फाइंड दिस टिश्यूज इन लीफ, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, लीफ बिलो द एपिडर्मिस, ठीक है, लीफ बिलो द एपिडर्मिस। द सेल ऑफ दिस टिश्यूज आर लिविंग, और इसकी जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, एलोंगेटेड एंड इरेगुलर थिकेंड। इसकी जो थिकेंड होती है, इनकी जो मोटाई होती है वो इरेगुलर होती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, एट द कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर में कहीं ज़्यादा कहीं कम। देयर इज़ वेरी लिटल इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें जो है इंटरसेलुलर स्पेस यानी सेल के अंदर जो बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज इज स्क्लेरेनकाइमा, एक अलग तरह का जो है परमानेंट टिश्यू है जिसे हम क्या कहेंगे, स्क्लेरेनकाइमा। इट इज़ द टिश्यूज विच मेक्स द प्लांट हार्ड, अब इसकी वजह से जो है प्लांट क्या होता है, हार्ड बनता है एंड स्टिफ। वी हैव सीन द हस्क ऑफ अ कोकोनट, जो कोकोनट का हस्क होता है वो हमने देखा है। इट इज़ मेड ऑफ स्क्लेरेनकाइमोटेसिस, ये किससे बना होता है, स्क्लेरेन काइमोटेस टिश्यूज से। द सेल ऑफ दिस टिश्यूज आर डेड, इसकी जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड होते हैं। दे आर लॉन्ग, ये लंबे होते हैं, एंड नैरो, और क्या होते हैं, संकरे होते हैं, एंड नैरो, एज द वॉल्स आर थिकेंड, इसकी जो वॉल्स होती है वो कैसी होती है, थिकेंड होती है, ड्यू टू लिगिंग, किसकी वजह से, लिग्निन की वजह से। केमिकल सब्सटेंस होता है एक तरह का, विच एक्ट्स एज सीमेंट, ये जो लिग्निन होता है वो किस तरीके का काम करता है, केमिकल सब्सटेंस होता है और ये एक सीमेंट की तरह काम करता है जिसकी वजह से हार्डनेस आती है। ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक, ये क्या होते हैं, बहुत थिक होते हैं, दैट देयर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरनल स्पेस जो है इसके अंदर बिल्कुल नहीं होता इनसाइड द सेल। दिस टिश्यूज इज़ प्रेजेंट इन स्टेम, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, स्टेम के अंदर, अराउंड वस्कुलर बंडल, चारों तरफ वस्कुलर बंडल के, इन दिस इन द वेन्स लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स, जो लीव्स होती है और उसकी जो हार्ड कवरिंग होती है ऑफ सीड्स की, एंड नट्स इज प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट अपार्ट, ये क्या करते हैं, स्ट्रेंथ जो है वो देते हैं किसको, प्लांट्स को।